हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही आसान सी चीज़ लेकर आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ, जिसे कहते हैं हम हिजाब बच्चियों के लिए। तो इसे हम बड़े भी यूज़ में लेते हैं, लेकिन बच्चियाँ ज़्यादा लेती हैं। तो ये मैं छोटी बच्ची का ही काट के सीके आपको दिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने जो ये पीस लिया है, ये कोई मेरे पास 1.25 मीटर का पीस है। तो ये मेरे पास पीस है 1.25 मीटर का, लेकिन ये इस पे हमारा इतना कपड़ा लगेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कितना इसमें हमें मेजरमेंट का क्या हिसाब रखना है। तो ये देखिए, जो मेरा सीधा कपड़ा है, सीधी साइड से ये मैंने डबल कर रखा है इसको, कपड़े को ये डबल है। अब इसी साइड को जो है हम इस तरीके से ये ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने ऐसे कर लिया। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा आ गया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, हम इसको निकाल देंगे इधर से। तो ये देखिए, ये जो हमने साइड ली है, ये हमारी दो साइड तो हमारी खुली हुई हैं, कट हैं, और एक ओन फोल्ड आ गई है साइड, ठीक है ना। तो अभी हमें जो नाप लेना है वो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से हम अपना नाप लेंगे। तो ये मुझे बच्ची का बनाना है, तो मैं बच्ची का नाप लूँगी 20 इंच का। 20 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए, तो ये 20 इंच पर निशान आ गया हमारा। और इसी तरीके से हम यहाँ से नापते हुए इसे राउंड में इस तरीके से 20 इंच पर सब पे निशान लगा लेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा निशान। तो ये निशान मैंने देखिए लगा लिया, यहाँ से लगाया है। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। और इस पर हम इसे कटिंग करेंगे, इसे यहाँ से यहाँ पर हम इसको काट लेंगे। जितनी आसान इसकी कटिंग है, उससे ज़्यादा आसान इसकी स्टिचिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से कट कर हमारा आ गया है। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से कट गया है, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक का नीचे से राउंड कट कट करते हैं, इसी तरीके से हमने इसका किया है। बस ऊपर से हमने इसको कुछ कट नहीं किया है। तो एक साइड हमारी जो थी हमने रखी थी कट, और दूसरी जो हमारी थी वो ओन फोल्ड रखी थी। तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी कट वाली साइड है, ये हमारी फेस वाली साइड आएगी, जो हम फेस की तरफ से लेंगे। तो ये हम फेस में यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है, तो मैं पट्टी कटिंग करना भी आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए, जो हमारी नीचे की कटिंग बची हुई है, इसी को हम, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी जो है ऐसे कर लेंगे। इसको हम खींच के देख लेंगे, जिस भी तरफ से हमारी ये इस तरीके से उरेबी आ रही है ना, हम उसी तरफ से इसको काटेंगे। तो ये देखिए, ये हमने उरेबी तरफ से कपड़े को इस तरीके से चौरस करके रख लिया है। तो ये जो हम पट्टी काटेंगे, तो सबसे पहले तो हमें अपने फेस का नाप ले लेना है। जिस भी कभी हम सी रहे हैं, तो उसे फेस का जो है हम पूरा राउंड में नाप ले लेंगे कि कितना आ रहा है, उसी हिसाब से हम इसको पट्टी को काटते हैं। और जो है ये हमें सिर्फ सर पे रखनी होती है, हमारे सर की तरफ आती है सिर्फ ये पट्टी। तो इसलिए जो है आप कानों तक, एक कान से लेके दूसरे कान तक नाप लेकर इसको लगाएंगे।
तो जितनी आपको रखनी है उतनी रख लीजिए, कानों तक भी रख सकते हैं, उससे थोड़ी कम भी रख सकते हैं। मैं इसकी जो लंबाई रख रही हूँ वो रख रही हूँ 11 इंच की, और इसकी जो मैं चौड़ाई लूँगी वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच की। इस तरीके से हमारी पट्टी कट के तैयार हो गई है। अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा शेप दे दूंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है। तो ये देखिए, ये हमने इस तरीके से अपनी पट्टी को निकाल लिया, और निकालने के बाद अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये ओन फोल्ड वाली साइड जो है ये हमारी माथे पे आएगी और ये स्टिच में चली जाएगी। तो चलिए इसे स्टिच करके बताती हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और बताती हूँ, वो जो मैं कह रही थी आपसे फेस का नाप लेना है, तो फेस का नाप हमें यहाँ से और यहाँ तक लगाना है कि हमें कितना रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम रखेंगे 9 इंच का। ये 9 या 8 जितना भी आपको रखना है, इसमें आप एक कट का निशान लगा लेंगे ऐसे करके। तो ये आपको याद रहेगा कि हमारा कट का निशान है, यहाँ से हमें नीचे से स्टिच करना है इसको। तो ये देखिए, ये मैंने जो है सेंटर वाला एक निशान लगा लिया है सेंटर में कट का, और दो जो है कट मेरे ये लगे हुए हैं। तो जो सेंटर वाला निशान है उसको हम ऐसे सीधा खोल कर रख लेंगे, और उसके साथ जो है हम इसे अपने जो मैंने इसमें इसके भी सेंटर में मैंने कट लगा लिया है, और इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ऐसे तो देखिए, अब जो है ये सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस पर इस तरीके से पलट देंगे। मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है पहले ही, क्योंकि राउंड है, तो इसे दूसरी एक और फोल्ड करके इस तरीके से ऐसे लगाऊंगी मैं सिलाई। और अब इस तरीके से इसे सेंटर में लेके, और जो हमने कट के निशान लगाए थे वहाँ तक जो है हम इसको नीचे से सी लेंगे। ये जो हमारी सीधी साइड है इसको हम सी लेंगे, फ्रंट वाली यहाँ से। और अब जो ये हमारे नीचे किनारे वाली सिलाई है इसको हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हिजाब बिल्कुल तैयार हो गया है, परफेक्ट। ये देखिए, मैंने इसको जो है यहाँ से इस तरीके से लगाया है। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।